दोस्तों आई होप एवरीवन ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। और आज के इस नए नवेले ब्लॉग के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप वैक्सीन का जो स्लॉट है वो पूरे इंडिया में किस तरीके से बुक कर सकते हैं विद इन 2 मिनट्स। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो एंड चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको कुछ ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ और वो तैयार रखना, और कुछ डूज एंड डोंट है उसको भी आपको रेडी रखने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप लोग ये जो वैक्सीन का जो बुकिंग है वो फास्ट तरीके से कर पाए। और डोंट ये है कि आप जब भी वैक्सीन का जो स्लॉट है वो बुक करें, कहीं से भी बुक करें, लेकिन पिन कोड यूज मत करना, क्योंकि पिन कोड की वजह से क्या होता है कि जो पूरा जो डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सेंटर्स से, हैं उस सब सेंटर्स को कवर नहीं करता, ये देख लिया गया है। तो पिन कोड जो है वो आप यूज मत करिए, हमेशा जो स्टेट का नाम है और जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो डालो, और उसके बाद आप वैक्सीन जो है उसको चेक कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है जो आपको करना है कि आपको जो कोविन ऐप है उसके अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका आधार कार्ड या पान कार्ड या यू नो लाइक लाइसेंस नंबर या कुछ भी डाल के आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले से करके रखना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर आप वो सब करने जाओगे तो स्लॉट जो है वो आप बुक नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जाओ कोविन ऐप पे और कोविन ऐप पे जाके रजिस्ट्रेशन जो है वो आप कर दो। कमेंट है वो बहुत ही मेन रहने वाली है, जहाँ पे आपको लगेगा एक सिस्टम, एक पीसी या तो एक लैपटॉप, और अगर ये तीनों में से कुछ भी नहीं है तो आपको जो मोबाइल है उसके अंदर सफारी या तो जो क्रोम ब्राउजर है उसके अंदर आपको जाना है, और कोविन का जो वेबसाइट है वो डाल के आपका नंबर और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डाल के आपको सर्च करने का है। सेम हियर आप लैपटॉप और पीसी पे भी जो डिस्ट्रिक्ट और जो स्टेट है वो डाल सकते हो और उसके बाद आप सर्च कर सकते हो। प्लीज डोंट यूटिलाइज द ऐप जो आरोग्य सेतु है उसके अंदर से कोविन में जाता है, और उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, और प्लस एप्लीकेशन जो बनाई हुई है वो थोड़ा चौपी है, जिसके अंदर बहुत सारे जो रिजल्ट है वो शो नहीं करते, या तो कभी कभी बहुत सारे जो सेंटर है वो शो नहीं करते। तो प्लीज डोंट यूज द ऐप, मेक श्योर दैट यू गो ऑन अ वेबसाइट एंड यू नो फाइंड अ वैक्सीनेशन सेंटर। और दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके पास आपके मोबाइल में टेलीग्राम ऐप जो है, एप्लीकेशन जो है वो रेडी होनी चाहिए। अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन आपके मोबाइल में रेडी है, फिर आप यू नो आपको जो वैक्सीनेशन स्लॉट है वो जब भी ओपन हो गए तो उसकी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहां पे मिलने वाली है। तो टेलीग्राम ऐप है वो आपको डाउनलोड करने की रहेगी, और उसके अंदर भी आप जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन करके रखना, क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन ऑफ कर देते हैं, उसके बाद अपने को जो मैसेज है वो दिखता नहीं, और जब हम एप्लीकेशन खोलते हैं तब हम देख पाते हैं। तो जो नोटिफिकेशन का जो है वो ऑन करके रखो, और यू नो आपको मैं फिर आगे के इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा किस तरीके से आपका जो वैक्सीनेशन का जो स्लॉट है वो जल्दी से जल्दी बुक कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले गूगल में जाइए, गूगल में जाके under45.in लिखिए। याद रखना कि ये जो साइट है वो सिर्फ 18-44 ग्रुप के लिए है, तो ये जो ट्रिक है उनके लिए ही काम में आएगी। तो आप टेलीग्राम अलर्ट्स में जाइए, और उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद आप स्टेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट के अंदर अभी मैं महाराष्ट्र डाल रहा हूँ, तो लेट्स जस्ट चूज महाराष्ट्र। और मैं जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर पुणे डाल सकता हूँ, पूरा ऑल ओवर इंडिया का जो भी है वो डाल सकते हैं, आपको ग्रुप मिल जाएगा। और ग्रुप के अंदर फिर आपको जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, जैसे कि कौन से जो ग्रुप है वो, और कौन सी वैक्सीन है और फ्री है कि पेड है, कितने स्लॉट ओपन हुए हैं, तो उसका जो इंफॉर्मेशन है वो आप सभी लोगों को जो है वो मिल जाएगा। बात आती है कि कुछ टिप्स जो है वो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को वैक्सीन को बुक करने के लिए, और वो उसमें से जो सबसे पहली ट्रिक है वो ये है कि आप दोपहर को 3 बजे से लेके रात को 9-10 बजे तक जो है वो आप अपने नोटिफिकेशंस को देखते रहिए, आप जो आपका जो सिस्टम है उसमें चेक करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे जो स्लॉट है वो इसी टाइम पे ओपन होते हैं। सो आप ये जो चेक है वो आप कर सकते हो। दूसरा चीज है कि
कोई भी वैक्सीन मिले, जो भी वैक्सीन मिले, पेड फ्री कुछ भी मिले, आप जाओ और जाके तुरंत ही उसको क्लिक कर दो। आप देखो मत कि वो कौन सी वैक्सीन है, कब मिलेगी, मतलब कौन सा उसका फ्री है या पेड है। आप अभी के लिए वैक्सीन का जो स्लॉट है वो मिलना इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए आप जो भी स्लॉट मिले उसको आप क्लिक कर दो। तीसरा जो टिप्स है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लोकेशन में देखते कि भाई लॉकडाउन है तो हमें लोकेशन में ट्रैवल करने नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके जितने भी हॉस्पिटल है वो कोई भी हॉस्पिटल पे आपको स्लॉट मिलता है, आप उसको ओके कर दीजिए। सोचिए मत कि अगर मैं वसई पे रहता हूं तो मैं थाने जा सकता हूं, नहीं जा सकता हूं। या तो अगर आप मान लो कि अहमदाबाद में है और अहमदाबाद में एक एरिया है वासना, तो उससे आप दूसरे एरिया में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, कुछ भी मत देखिए। जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, विद इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप कहीं पे भी ट्रैवल वैक्सीनेशन के लिए कर सकते हो, तो आप जो है वो उसके लिए आपको ई पास की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो स्लॉट दिखाना है और स्लॉट का अगर प्रिंट दिखाओगे आपको जाने देंगे, तो आपको कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो कुछ टिप्स है उसको याद रखो और उसी तरीके से आप बुकिंग कर सकते हो। अगर आपका जो एज है वो 44 ईयर्स से ऊपर है, मतलब 45 एंड अबव है, तो उसके लिए आपको याद रखना है आपको पेटीएम वैक्सीन ट्रैकर है वहां पे जाना है, या तो कोविन एप्लीकेशन में आप कभी भी कोई भी टाइम पे जा सकते हो। लेकिन मेक श्योर करना कि आप जो है वो ये एप्लीकेशन जो है वो मत यूज करना। आप वेबसाइट पे जाके कभी भी कहीं पे भी जाओ और जो 45 प्लस के जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है जहां पे भी मिल रही वैक्सीन उसको ओके करो और अपने जो वैक्सीन है वो लगवा दो। दोस्तों इस टाइम के अंदर हम जितना जल्दी से वैक्सीन लगवाएंगे, जितना अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन होगा, उतना ही जल्दी हम इस कोरोना को जल्दी से जल्दी बीट कर पाएंगे। तो लाइक आई जस्ट होप कि आप सब लोगों को ये जो पूरा वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वैसे तो अपना जो कंटेंट होता है वो पूरा ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट होता है, लेकिन यहाँ पे अभी ट्रैवल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अभी जरूरत है वैक्सीन लगवाने की। और वो वैक्सीन आप किस तरीके से जल्दी लगवा सकते हो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जाओ अभी के अभी जाओ और ये पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो आप सभी लोगों से शेयर करो। आप इसको मेक श्योर करो कि बहुत सारे लोगों को ये इसका जो फायदा है वो पहुंच पाए। कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे है कि जहाँ पे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी अभी नहीं है, लेकिन 5-10 दिनों में जल्दी से जल्दी होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे डोजेस जो है वो ट्रांसफर करने वाले हैं। तो प्लीज मेक श्योर करो कि आप ये जो वैक्सीनेशन की इंफॉर्मेशन है वो सभी को भिजवाओ, और अगर आपका स्लॉट पॉजिटिव तरीके से बुक हो जाता है तो देन इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।